यस उतरेंगे। ओ भाई और इस यार इसमें तो मछली, अरे भाई पूरा पैर फंस गया इसमें तो। हाय करो सब लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद है कि आप पहले के ब्लॉग्स इंजॉय कर रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर जाकर देखें। तो आज का मॉर्निंग तो सुबह थे, मम्मी उठाई नाश्ते के लिए। क्या खा रहा तुम लल्ला? क्या खा रहा? ये क्या है? अनार है। अरे भाई साहब मम्मी उठाई, उठो उठो, हम नहीं खा रहे मम्मी। नानी इतना खाओगी? बोला हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तुम सर्दी हो गया है ना? बोला कि सर्दी हो गया दोस्तों। एप्पल खाने से ठीक हो जाएगा? कोई बात नहीं, एप्पल खाने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, एप्पल उतना हर्जा नहीं करेगा ना। तो अब ब्रश कर लेते हैं, अभी तो उठाइए। तो मिलते हैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आज। बोलो बाय दोस्तों। अभी नाना के आपका है, मेरा है। अनार गिर जाता है। अनार गिर जाता? हाँ। मार दे इस पे। यो बाय। यो फ्रेंड्स, तो यार अभी खाना खा लेते हैं, बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। तो बीन्स आलू का सब्जी और इधर चटनी बना धनिया का। तुम्हारे लिए दही है लल्ला? सर्दी हुआ तुमको? ठीक हाँ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दवाई खाया था? हाँ। ठीक है, रात में भी खा लेना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, दो टाइम के खा लिए। दो टाइम का खा लिया था? हाँ। तो बोलो जल्दी ठीक हो जाएंगे दोस्तों। जल्दी ठीक हो जाएंगे दोस्तों। और कहाँ जाएगा? गुरुद्वारा जाएगा? हाँ। कहाँ जाएगा? गुगुआ। गुगुआ। बोलो गुरु। गुरु। द्वारा। गुरु द्वारा। हाँ बहुत बढ़िया, फिर से बोलो गुरु द्वारा। गुरु द्वारा। बोलो सीख जाएंगे दोस्तों। बाय बाय। बाय बाय। किसी दे दो, किसी दे दो। बाय। मेरी मिर्ची लाया है, लाओ लाओ। मामा को बोलो चटनी में बहुत मिर्ची है, तीता लिया, तीता लाएगा। चटनी में बहुत मिर्ची है, तीता खाएगा, तीता। दूध मेरा है। मेरा है। क्या चीज का दूध है लल्ला? इसमें क्या डाला हुआ है? हल्दी। हल्दी का दूध है। तुम जानता है? हाँ। लल्ला को बहुत सर्दी हो गया। हम भी पी जाए ना। थोड़ा सा ना। मेरा भी तबीयत खराब। कभी दही क्यों खा रहा है? तो दही क्यों खा रहे? तो ठीक है, तुम दही खा लो, हम वो खा लेते हैं, पी लेते हैं। ना। बाय। हम शादी वाले। शादी वाले? हाँ। यार देखो, मतलब कहीं भी कुछ भी जो लोग जला देते हैं, पता नहीं कूड़े कचरे में प्लास्टिक को जला रहे हैं। नेचर से खिलवाड़ तो यहाँ लोग इतने आसानी से करते हैं, जैसे कि क्या ही बताएं, कौन समझा किसी को। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, ज़्यादा कुछ मतलब जलाने से कम। अरे देख रहे हो कितना पोल्यूशन हो चुका है अभी तो। बस न्यूज़ में सुने थे कि टॉप में 10 पोल्यूटिंग सिटीज़ में 5 हमारे इंडिया से ही है। मतलब कम हो सके उतना कोशिश करो यार, तो सही रहता है। कुछ दिन में सबको गांव का याद आने लगेगा, शहर छोड़ने लगेंगे। सांस नहीं ले पाएगा तो क्या ही हो गया यार, सही सही हो रहा। तो मिलते हैं। यो फ्रेंड्स, तो स्वागत है गंगा घाट पे, जिस गंगा घाट पे छठ पूजा हुआ था। छठ पूजा का व्लॉग जिसने नहीं देखा वो पराई बटन में देख सकते हैं। तो यार अभी तो मतलब बहुत थोड़ा गंदा हो चुका है पूरा। तो मेरा मानना ये है कि यार सिर्फ छठ में क्यों गंगा को साफ़ करते हैं यार, मतलब थोड़ा और थोड़ा खर्च करके देख गंगा, मतलब पूरा में जाम लगा हुआ है, बाहर में है तो अंदर में भी और होगा, सब जगह वैसा ही हाल है। तो थोड़ा साफ़ पूरा साल रखा जाए तो बहुत सही रहेगा। पूरा दूर तो बहुत फैला हुआ है कचरा, इधर भी है। तो घर पे नहीं मना रहा, इधर ही आ गए, देखते कि आज कैसा है। तो उधर शायद मैच खेल रहा सब, उधर जाएंगे तो।
भाई लोग है उसमें, दिख गया यहाँ से दिखते हुए लोग को जाके, तो मज़ा आ गया। हवा बहुत मस्त चलता है इसीलिए आ गया, और कुछ नहीं, बस घाट का थोड़ा गंदगी देख के बुरा लगा यार, किसी छठ में साफ होता हो जाएगा मे बी, और गंदा हो जाएगा अभी धीरे धीरे और गंदा करेगा, ध्यान देना चाहिए इस पर नगर निगम को। तो मैं आप लोग को एक और जो ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग का, तो मैंने बोला था कि ब्लॉगिंग टिप्स दूंगा आप लोग को भी, कुछ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं अभी ट्राईपॉड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक मिनट में दिखाता हूँ इसको निकाल के। तो अब ये ट्राईपॉड हाथ में आ गया, हाथ से शूट करना पड़ा, ये ट्राईपॉड को इसमें लगा के इसको एक एंगल पे फिक्स करके, होता है मतलब फेस सही आना चाहिए, किस एंगल पे कितना हाइट पे रखे, मैं सब आपको बताऊँगा ज़रूर, बहुत अच्छे से वो ब्लॉग आएगा। तो इसी से मैं फ़िलहाल थोड़ा सा बता दिया हूँ कि इसे शूट करता हूँ, तो चलते हैं भाई के यहाँ। यहाँ पे बहुत सीन सही लगता है यार, मतलब जितना आ सको, ऐसा नहीं है कि कभी कभी, मतलब डेली आओ, सुबह शाम, सुबह में ही नहीं खुलता है, वरना मॉर्निंग वॉक के लिए हम तो सोचे थे आने के लिए, लेकिन कोई नहीं। तो अब मैं वापस इसको मोबाइल में सेट कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग सही होता है ऐसे। ठीक तो स्वागत है, ये तो थोड़ा सा टिप्स था, तो ऐसे एक ब्लॉग आएगा उसको देखना ना भूले, अगर जो भी ब्लॉग का शुरुआत करना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो कि ब्लॉग बनाए, ज़रूर करना यार। मैंने भी कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं है, बस ऐसे ही ब्लॉग बनाया हूँ, और आप देख सकते हैं मतलब थोड़े ही दिन में, दो तीन महीने में 1K सब्सक्राइबर हिट कर गया चैनल को। तो इधर आप देख सकते हैं, फिर बालू है यार, मतलब देख लो मज़ा आ रहा है उसके ऊपर चढ़ने में। हाँ पूरा बालू बालू हो गया ये तो, यहाँ से देखो यार भाई साहब तो थोड़ा सा भी हाइट पर चल जाओ ना तो अलग ही मज़ा आता है हमको, तो मतलब खुशी मिलती है हमको हाइट पर जाने पर। यहाँ से मस्त उधर छोटा सा नज़र आ रहा है, नाव है, हाँ तो सही है, तो उधर क्रिकेट खेल रहे सब, तो देखते हैं उधर जाके, तो मज़ा आ गया। यहाँ से फिर उतरेंगे, एक और ये बालू है, वाइट वाला बालू है निकलता है, और एक और बगल में, यहाँ से वहाँ जंप मार के देखते हैं जाते हैं। वन हाँ पूरा जूते में बालू चला गया यार, इसको क्रॉक्स में निकालना पड़ेगा। मेन बात यार देखो, उधर वो जला रहे थे, इधर इधर गंगा नदी गंदा किए हुए, सब कुल मिला के यार सब बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे नेचर को यार, मतलब मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी, मतलब सच बताओ तो क्या ही बोले के चक्कर में यार, अपना ही सोचना चाहिए लोगों को यार, तो प्लीज़ ऐसा ना कर, बहुत खतरनाक स्थिति थी, डिजीज़ ऐसे ही चल रहे, डिजास्टर्स पहले ही से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और पोल्यूशन ऊपर से आदमी एक और घेर रहा है, दिल्ली में तो लॉकडाउन हो रहा है, सुने थे कि दो दिन के लिए पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से भी लॉकडाउन हो सकता था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो चलो कोई नहीं यार, तो चलते हैं क्रिकेट की तरफ। यस उतरेंगे, ओ भाई और इस यार इसमें तो मैं, अरे भाई पूरा पैर फंस गया इसमें तो, फिर से बालू चला गया बहुत सारा पैरों में यार, बहुत दिक्कत। इतना बालू घर चला जाए तो सही है। मम्मी बोली बालू कहाँ से लाया, एक दिन क्या मम्मी भूंज रही थी, क्या भूंज रही थी, वो दिखाया था आपको एक दिन छत पे, कौन सा चावल का भूंजा बना रही थी, भूंजने के लिए बालू लेके आ, हम बोले कि क्या मम्मी अभी देखिए कि कपड़ा में इतना सारा बालू लेके आए हैं, तो बोले कि अब कहाँ से आया। पहुँच चुके हैं पिच पे, हमारे यहाँ विकेट यार हमारे यहाँ विकेट ऐसे ही होता है, नीता का है ना, मस्त जब आओ तब मन विकेट बन जाएगा। तो हम ये रहा बच्चा पार्टी, इसको देखे होंगे ब्लॉग में, इसको भी देखे होंगे, तो खेलते हैं यही बच्चा लोग है, तो उधर चल रहा है लेकिन वो लोग को खेलने नहीं देगा, बोले बहुत दिन के बाद आया, बॉलिंग करते थे पहले मस्त, तो सिर्फ अभी नो फेंक आता है डायरेक्ट या इसके ऊपर से फेंकते हैं, तो डेली खेलेंगे, तो इधर देखो हाँ ठीक है दोनों ठीक है, खिला दो दोनों तरफ, दो तरफा कीपिंग रहेगा लेकिन पहले बता दे कीपिंग रहेगा उधर, ठीक है दोस्तों मैच खेल के देखते हैं। लल्ला बोला था गुरुद्वारा के लिए, तो जाने में हमको लगता है रात हो जाएगा, अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम हो गया अभी 4:48, आधा घंटा तो नहीं लगेगा, 5:30, देखते हैं कैलकुलेशन के साथ, फिर मिलते हैं। जीरो पर आउट होगा, सब बैठ मजा आया। सर के ऊपर फॉलोअर्स मेरे यार बहुत मज़ा आ रहा है, देखो कितना सुंदर, मतलब मस्त लग रहा है। तो क्रिकेट खेलते खेलते तो रात हो गया, तो दीदी मम्मी और बाकी घर के लोग सभी गुरुद्वारा पहुँचे हुए हैं,
तो मिलते हैं गुरुद्वारा में, तो हम भी घूम लेते हैं उन लोग के साथ में, बहुत दिनों से सबके साथ नहीं गए, तो मिलते हैं। तो अभी सब लोग आ गए आज गुरुद्वारा में, साड़ी खरीदने आए थे सब, नॉमिनेशन में जाने वाली आंटी इलेक्शन में आई, इन्हीं का नाम इस बार हुआ है, तो मस्त इधर ही आ गए सब लोग। हाय करो सब लोग, तो मजा आ रहा है, मस्त इधर ही थे। सब लोग बहुत दिन के बाद आए साथ में, तो मज़ा आ रहा है बस। तो अब घर के लिए निकल रहे हैं, तो मज़ा आया, तो अभी घर निकलेंगे, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलेगा तो रास्ते में खरीद लेंगे। इधर ही से गुजर रहे थे, लल्ला के लिए कुछ समोसे ले लिए और छोटी बहन के लिए समोसे और कचौड़ी। चलते हैं, लल्ला क्या लाया मामा? नहीं बताएंगे, हम याद कर लेंगे। याद कर लेगा? देखो क्या लाया तुम्हारे लिए, समोसे और ये वाला बाद में खाना। इसमें क्या है देखो तो? तुम्हारे लिए दवाई है, सर्दी हो गया ना? हाँ। तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं और इसमें है हेलो समोसा, है ना? टेस्टी टेस्टी तो देखो, टेस्टी टेस्टी समोसा है। क्या लाया मम्मी? क्या खा रहा लला? पिस्ता है? बड़ा पिस्ता है, ठीक है खाओ। बड़ा बड़ा खोइया है? अरे हाँ नमक तो होगा ही, ये खाने में ऐसा ही होता ही है। ये लो अरे मिर्ची भी है इसमें, लो पहले दो भूख दे लल्ला को, पहले लल्ला को नाम का टाइम पास हो या काम हो है, टाइम पास वाला। तो भी मस्त सबके साथ टाइम पास चल रहा है ना लल्ला? हां टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों, टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों। लल्ला भी सो के उठा है तो मस्त खा रहे इधर। पूरा घर गंदा कर दिया ना हमें, साफ करो करो तब ना पता चलता, साफ करो तो मम्मी है ये। मजा आ गई, ठंडा वाला मजा कुछ ना, गर्म तो बस गर्म ना, तब ठंडा दे दिया था, मजा आ लल्ला ठंडा। अरे ठंडा सस्ता तो नहीं दे रहा था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मजा आ गया अभी खा के, पूरा घर गंदा हो गया, लगभग आधा घंटा हम लोग खाते रहे, आधा घंटा एक घंटा के बता दें, प्योर टाइम पास है, सच में टाइम पास है। क्या मजा आ गया हम लोग को, टाइम पास है आज, आना टाइम पास था ये, टाइम पास हो इतना टाइम। हम लोग ऐसे ही कोचिंग में थे जाने के लिए, तो तीन चार लोग दोस्त था, तो आधा किलो तीन के लिए आया, खाते रहा कोचिंग स्कूटी। कोचिंग छूट गया था आपका? क्लास छूट गया, खाया मत कर के रात में, स्कूल पढ़ में, स्कूल में रोड पर जाओ तो कोचिंग करो, आधा किलो तीन के लिए खा लगा सब, अब सब कर लगा था पार हो गया। सही बात, कोचिंग वाले ना सही नहीं पता था ना, छीलते रहो खाते रहो बात करते रहो तो उतना पता नहीं चलता है। तू सब कहीं मत खाना ऐसे संगे संगे हम जा उधर बैठ के स्टेशन पर जा रहे हैं, मम्मी पढ़ रही है, अल्ले के बैठ के ट्रेन ट्रेन का इंतजार कर रहा है, छूट गया अल्ला दा जाएगा, ट्रेन के इंतजार में ट्रेन छोड़ के जा रहे हैं, बता दे के तू बैठ ट्रेन में, सबसे तो अच्छा टाइम पास है ट्रेन में, कुछ गंदा नहीं मानो से गंदा है ना।
ट्रेन के लिए सही है, बोर्डिंग नहीं होता है, सही बात है। अरे हम लोग एक बार खा रहे थे ना, तो हम भी ट्रेन में थे, तो नीचे आंटी थी, आज गुड्डू से जा रहे थे, तो नीचे छत की हुई थी और ऊपर छिलछिल गिरा दी, सुनता उठिए चाले से बोली का बोला तुम लोग सो जाता चाल वही किया हम लोग, कौन खाए था बोले बेटा तुम लोग खाए हो क्या, तो बोले जी आंटी ये राज खाया था, तो बोला कि और से किया था, फिर हम लोग साफ कर दिए लेके छठ की होती आगरा घूम रही थी। अरे सोए थे उतना पता चलता है सब, नींद में खा लेती हूँ। चलो तो ठीक है, मिलते हैं फिर से, यहाँ नाश्ता फिर से आ गया, फरी दाल मुंह चलेगा, ठीक है मिलते हैं। मामा आपके साथ सोएंगे, पता नहीं क्यों आके बोला कि मामा आपके साथ सोएंगे, इधर यार नेट लगाना पड़ रहा है, डेंगू वगैरह का शिकार बहुत आ रहा है अभी, तो मेरे साथ सोएगा। हाँ। यही सोएगा सच में, मजाक नहीं कर, तुमको सोने फिर यहीं भी नहीं देंगे, फिर जाने नहीं देंगे, लाइट बंद कर दें। अच्छा सुबह में जाएगा। हाँ। सुबह में जाएगा। हाँ। ठीक है ठीक है, सो जा, हमको एडिटिंग करना है, ठीक है एडिटिंग कर लो, तब तक सो जाते हैं, तब तक सो जाते हैं। हाँ। सुबह में चल देंगे, सुबह में जाएगा। हाँ। ठीक है तो बोल दो गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। जब लल्ला का आज मेरे साथ सोने का मन किया है, अब लल्ला यहीं सो रहा है पता नहीं, तो ठीक है सुबह अब तुमको हम बांध के सुलाएंगे, ठीक है कहीं नहीं जाने देंगे, सुबह में चल जाना। तो ठीक है दोस्तों, आज लल्ला के साथ ही सो रहे हैं, तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो यार, आज ब्लॉग को ये पेंट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ ब्लॉग कैसा लगा, तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही फैमिली ब्लॉग अच्छे लाते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा 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 कर दो।